Hello students, how are you all? Today's our subject is value. Page number 20 and today's our chapter name animals, our friends. Animals yani janwar, janwar hamare dost. So students, aaj hum hamare is lesson mein एनिमल्स के बारे में देखेंगे कि एनिमल्स भी हमारे कितने अच्छे फ्रेंड होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है आई हैव अ पैट डॉग. मेरे पास एक पालतू कुत्ता है. पैट यानी जो पैट एनिमल्स होते हैं ना, पैट यानी पालतू जिसे हम घर पर रख सकते हैं. तो ये है आई हैव अ पैट डॉग. मेरे पास पालतू कुत्ता है. His name is Bingo. उसका नाम बिंगो है. अगर हमारे पास कोई अगर कोई घर में हमारा पेट एनिमल होता है तो उसका हम नेम रखते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर एक कुत्ता है तो उसका नाम है बिंगो. I play with him. मैं उसके साथ खेलती हूँ. When I go to school, जब मैं स्कूल जाती हूँ, बिंगो सीज मी ऑफ. बिंगो मुझे देखता है. व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आती हूँ, ही वैक्स हिज टेल. वह अपनी पूंछ लहराता है. ही ग्रीट्स मी विद अ बाउ वाउ. वो मुझे मैं बाउ वाउ जैसे डॉग करता है ना, भौंकता है ना बाउ वाउ करके, तो वो मेरे सामने बाउ वाउ करके मुझे अभिवादन देता है, मतलब नमस्ते करता है. ही इवन शेक्स हैंड्स विथ मी टू टेल मी दैट ही लव्स मी. वो मेरे साथ हैंडशेक करके मुझे ये कहता है, कहना चाहता है कि वो मुझसे प्यार करता है. बिंगो बार्क्स एट पीपल ही डज नॉट नो. बिंगो उसके ऊपर भौंकता है जिसे वो नहीं पहचानता है. आई लव बिंगो. मुझे बिंगो बहुत पसंद है. आई लुक आफ्टर हिम. मैं उसकी देखभाल करती हूँ. आई गिव हिम अ बाथ. मैं उसे नहलाती हूँ. आई प्ले विथ हिम इन द पार्क. मैं उसके साथ पार्क में खेलती हूँ. पार्क यानी बगीचा. फिर है माय ग्रैनी हैज अ कैट एंड टू लिटल किटन्स. मेरी नानी के पास एक बिल्ली और उसके दो बच्चे हैं. माय फ्रेंड सुजीत हैज रैबिट्स एज अ पेट्स. मेरे दोस्त सुजीत के पास पालतू जानवर के रूप में खरगोश है. रैबिट यानी खरगोश. माय फ्रेंड केसर लिव्स इन कश्मीर. मेरी दोस्त केसर कश्मीर में रहती है. शी हैज अ पेट पोनी. उसके पास पालतू पोनी है. पोनी किसको कहते हैं, जो घोड़े का बच्चा होता है उसे कहते हैं पोनी. हिज नेम इज बादल. उसका नाम बादल है. व्हाट अ फन इट इज टू हैव पेट. पालतू जानवरों के साथ बहुत मज़ा आता है. सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में क्या है कि जो हमारे पालतू पेट्स होते हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. वो कभी भी हमें हार्म नहीं कर सकते, मतलब नुकसान नहीं करते. वो जो दूसरे लोग होते हैं ना जिसे वो नहीं पहचानते, हम उन्हें भी नहीं करते, लेकिन उनको देखकर डॉग क्या करता है, भौंकने लगता है. सो स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमने देखा लेसन एनिमल्स एंड एनिमल्स आवर फ्रेंड्स, ये पहले तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न करना है और उसको समझना भी है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द मैसेज. सर्कल द एनिमल्स दैट आर कैप्ट एज पैट. उन एनिमल पे सर्कल करो जिसे आप अपना पैट बना सकते हो, यानी पालतू जानवर होते हैं जिसे हम अपने घर पर रख सकते हैं. सो ये फर्स्ट क्या है, किटन. किटन है ना, ये छोटा
कैट का छोटा बेबी किटन, फिर ये है पप्पी, कॉट, बियर, पैरट एंड टाइगर। तो इनमें से आप किसको अपना पेट बनाओगे? ये किटन, किटन को हम अपना पेट बना सकते हैं, यस। तो इसके ऊपर हम करेंगे सर्कल, फिर है पप्पी, तो इसको भी हम अपना पेट बना सकते हैं, फिर है गॉट, तो हम गॉट को भी अपना पेट बना सकते हैं, फिर है बियर, बियर को हम अपना पेट बना सकते हैं, नो इसको हम अपने घर पे नहीं रख सकते, फिर है पैरट, तो पैरट को भी हम अपना पेट बना सकते हैं, फिर है टाइगर, तो टाइगर को हम अपना पेट बना सकते हैं, नो। तो इसमें से जिसको आप अपना पेट बना सकते हो उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। एंड नेक्स्ट है हाउ कैन वी काइंड टूवर्ड्स आवर पेट्स, टिक द करेक्ट आंसर। हम हमारे पेट के साथ किस तरह से अच्छे बन सकते हैं वो उसके ऊपर हमें राइट करना है। वी कैन बी काइंड टू आवर पेट्स बाय, हम हमारे पाल जानवर से कैसे अच्छे बन, मतलब कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं। फर्स्ट है कीपिंग देम क्लीन, उन्हें क्लीन रखकर, उन्हें अच्छे से रखकर, तो यस राइट। फिर है थ्रोइंग स्टोन्स एट देम, उनके ऊपर पत्थर फेंक कर, हम अपने पेट्स पर, पेट्स जो होते हैं उन पर पत्थर फेंक सकते हैं, नो। तो इसमें हम क्या करेंगे, रॉन्ग। फिर है फीडिंग देम वेल, उन्हें अच्छे से खाना खिलाकर, राइट। प्लेइंग विद देम, उनके साथ खेल कर, राइट। पुलिंग देयर टेल्स, उनकी पूंछ को खींच कर, नो हमें हमारे पैर्स की टेल्स नहीं खींचनी होती है। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने ये देखा एक्सरसाइज पेज नंबर 21, वो आपको आपकी वैल्यू की टेक्स्ट बुक में ही राइट डाउन करना है। थैंक यू।